हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिंदुस्तान गेमिंग। और आज हम दोबारा से खेल रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो यार देखो, आज का बेसिक मोटिव ये है कि मैं माइनिंग के लिए जाऊं, ठीक है। तो माइनिंग का जो मेन सामान है जल्दी जल्दी से ले लेते हैं। सारा इम्पोर्टेंट सामान ले लिया है। मैं सबको बताता हूँ मैंने कैसे क्या क्या लिया, क्यों लिया। पहले हम सो जाते हैं, नहीं सो पा रहे यार, क्या बात। तो ये फ़िलहाल सनसेट एंजॉय करो। ओ, एडवांसमेंट मिल गई हमें। तो वैसे मेरे चैनल का नाम हिंदुस्तान गेमिंग है, ड्रिफ्ट गेमर मेरा क्यों रखा ये भाई देखो, मैं माइनक्राफ्ट का अपना साइन इन कर रहा था एंड हिंदुस्तान गेमिंग पता नहीं क्यों हो नहीं रहा था, पता नहीं क्या चक्कर था। दैट्स व्हाई ये अपने आप ही ड्रिफ्ट गेमर मैंने फिर सोच लिया, मतलब हो गया। तो सबसे पहले इसको भर लेते हैं, हमारे पास बाल्टी है, ठीक है। तो अब देखो मैं इसको हाथ लगाता हूँ, देखो शायद मैं ले चुका हूँ ये वाली एडवांसमेंट। तो यार मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे देखो भाई हमारे पास स्वॉर्ड होनी चाहिए और भाई पिकैक्स कम से कम देखो किसकी बिना रिपेयर होनी चाहिए। वैसे एक्स्ट्रा है, मैं इसकी जगह लगा लूँगा, ठीक है। बाकी हम कोल वोल वगैरह बहुत खोल के लाने वाले हैं। एक काम करते ना भाई, इनकेस अगर हम मर जाए ना तो इसको यहीं पड़े रहने दो, ठीक है। एक आयरन की पिकैक्स बहुत होगी, क्राफ्टिंग टेबल होनी चाहिए, टॉर्चेस ज़्यादा होनी चाहिए, वाटर बकेट इसलिए लेके जा रहा हूँ ताकि यार अगर वहाँ पे लावा है ना, बड़ा भाई सब मज़ा आ जाएगा अगर मैं गिर गया तो, इसलिए से बचने के लिए। खाना भाई पूरा हो, वहाँ कम ना पड़े क्योंकि वहाँ खाना नहीं मिलेगा। स्टिक्स इसलिए ताकि अगर वहीं पे कोल मिल जाए तो टॉर्चेस का इंतजाम वहीं पर हो जाए, मेरे को करना ना पड़े, ठीक है। और शील्ड स्केलेटन से मेनली बचने के लिए। तो भाई अब हम चलते हैं सबसे बिगर और मतलब सबसे अंदर तक जाने वाली कोई चीज़ ढूंढते हैं और उसके अंदर भाई तबाही मचा देते हैं। वैसे यार जहाँ तक मुझे लग रहा है दूर दूर तक आई डोंट थिंक ऐसे कोई केव है, बट यार हम ढूंढ निकालते हैं। तो चलो फिर ढूंढते हैं। तो यार देखो यहाँ पे बहुत सारा माल पानी है, मुझे लगता है ये केव आगे तक जाएगी, इसलिए ना हम ना दे देते हैं। थोड़ा सा लैग हो रहा है, आई डोंट थिंक वाई, बट कोई बात नहीं, मैनेज कर लो। और यार देखो अभी तो है कि ये देखो ये वाली केव पड़ी नहीं है ना, तो इसमें सिर्फ एक टॉर्च लगाएंगे, यहाँ पे लगा देते हैं भाई। बेशक भाई ये बड़ी ना हो पर भाई इसने दे दिया मेरे को बहुत कुछ। तो देखो स्पाई ग्लासेस को अगर बनाना है तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं, दो कॉपर इंगोट
और एक शार्ड कह सकते हैं शायद उसे, पिंक पिंक सा होता है वो वाला, तो भाई वो हमें मिलने मिलेगा मतलब जैसे गहराइयों में, मतलब ज़्यादा भी नहीं मिलेगा पर ज़्यादा ऊपर भी नहीं मिलेगा, वैसे हमें नीचे ही जाना पड़ेगा। तो फिर एक जहाँ तक मेरा है ना, मैं ऑफलाइन बैठ के इसके एक माइंड बना दूंगा, ये भाई फिर ना लंबी हो जाती है वीडियो, मेरे को जो मेन चीज़ करनी होती है वो होती नहीं है। अभी मेन चीज़ जो है मेरा आज कि मैं यार थोड़ा सामान लेके जाऊँ घर पे, प्लीज़ यार मर के ना जाऊँ, बस इतना ही भाई। फिलहाल जो मेरी भाई प्रोटेक्शन है उसके हिसाब से तो नहीं होना चाहिए कोई पंगा, ठीक है। बाकी यार देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। बाकी हम और सामान लाए नहीं है, खाना भी हम देख के ही खाएंगे, मुझे खाने का भी थोड़ा बहुत हिसाब पता ही है। सियारी केव जाएगी आगे तक आई थिंक, ओके सारा सामान ले लेते हैं जल्दी। तो पॉक्स पर बीफ क्या करते हैं ना, चार जब हमारे भूख का जो आपको दिख रहा है यहाँ पर टैप आ नहीं रहा, जो हॉर्ट्स के मतलब थर्ड लेवल के राइट साइड है उसके, यार देखो तुम भाई उसको भूख कहते हैं मतलब जैसे हंगर, तो भाई वो चार जब पॉइंट उसके खाली हो जाते हैं ना तब आप बीफ खाओगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा या फिर पॉक चॉप, क्योंकि वो चार पूरे भर देता है, पांच नहीं भर पाता चार भर देता है। और अगर आप सिर्फ दो में ही खा लेते तो आपका फूड ना मतलब ऐसे वेस्ट हो जाता है जैसे कहने का, लेकिन आप पे अगर अनलिमिटेड फूड है तो कोई चक्कर नहीं। पर भाई अगर ऐसे सेव करना है आपका फूड तो मैंने तरीका पिछले वीडियो में बता ही दिया था कि सारा सामान रखो लावा में जाके मर जाओ, पर अभी जैसे ना अभी लावा का सामान नहीं कर सकते अभी, तो क्या है अभी आप जब मैं देखो अभी मेरी दो हो गई ना, अभी जैसे मेरी चार हो गई मैं तभी खाना खाऊंगा, उससे पहले नहीं खाऊंगा। या हाँ बाई चांस कभी ये हो जाता है क्रीपर फूट गया या फिर ज़ॉम्बीज की बहुत बुखार हो गई, फिर भाई खाना ही पड़ता है, फिर तो भाई कोई नहीं रोक सकता। ओह शिट, सो या इट इज़ अ स्कैम भाई, इतना बड़ा स्कैम हो गया था। ओहो भाई आने लग गई भाई, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। तो यस इनफ कोल, इनफ इनफ बस। अरे आ गया लौंडा, देखा इसका नाम ले रहा था मैं, अरे आ भी गया यार। ओ ओम भाई क्या भाई, भाई सब मज़ा आ गया तो सही में बताऊँ तुम्हें यार। यार देखो अगर आपके पास बाई चांस सील नहीं है और भाई आप चाहते हो कि मैं क्रीपर से बचूं, तो भाई सबसे बेहतर तरीका है आप उसके सामने कोबलस्टोन रख दो, जिस लाइक अगर वो आएगा ना मैं कोशिश करूँगा आपको वो चीज़ भी करने की दिखाने की वो कैसे होता है, मैं पूरी कोशिश करूँगा। पर यार फिलहाल जो मेरे को दिख रहे हैं ना मेरे हालात, वो उसके साथ साथ तो मुझे लग रहा है मैं मरूंगा बहुत गंदा। ओके डजंट माइंड, क्योंकि मैं लालच कर रहा हूँ, लालच कभी नहीं करना चाहिए यार। जल्दी जल्दी कोल ले लेते हैं यार यहाँ से, देखो बेसिकली उसमें होता क्या है, क्रीपर जब आपके सामने आपके पास कॉबल स्टोन होना चाहिए, कॉबल स्टोन को अगर आप उसके सामने लगा दोगे, कॉबल स्टोन और स्टोन अगर उसके सामने लगा दोगे ना तो वो सिर्फ उसे फोड़ पाएगा या फिर शायद वो भी नहीं फूटता है और मतलब आप बच जाते हो यार, एक भी हर्ट नहीं जाता भाई। ये मैंने ना देखा हुआ है, मैंने ज़्यादातर बढ़ता नहीं है क्योंकि ज़्यादातर तो मैं शील्ड ही रखता हूँ अपने साथ जब ऐसी जगहों पर जाना होता है, तो मतलब ये चीज़ मेन होती है मेरे लिए। अब देखो अब वैसे तो मुझे दिख रहा है पर आपको नहीं दिख रहा होगा ना, तो यहाँ पर टॉर्च लगा देते हैं एक। ये देखो यार यहाँ क्रीपर फूट गया, ऊपर से आया था, यहाँ डर्ट लगा देते हैं। और यार ये देखो यार इतना सारा सामान है, इसको ऊपर रखो पहले, ये भाई इधर ये ओके। अब भाई एक काम करते हैं, देखो ये स्कैम नहीं होना चाहिए भाई, बस इस स्कैम से बचो भाई, बस और कुछ नहीं। क्राफ्टिंग टेबल को बेशक यहीं रख लेते हैं, और आयरन वगैरह एक यार ब्लॉक भी चाहिए हमें, ब्लॉक यहाँ रख लेते हैं बेशक, यहाँ ऐसे रख लेते हैं थोड़ा है ना, क्योंकि यार ब्लॉक होने ज़रूरी है। अब देखो यार मेरी उसने टॉर्च तोड़ दी यार, आई डोंट थिंक कि मेरी वो टॉर्च मिलेगी। यस क्यों इतना अच्छा सोचता हूँ यार मैं, मिल जाती यार, चलो कोई बात नहीं हमारे पे इनफ है। तो मुझे ज़्यादा ना सेटिस्फैक्शन नहीं होती, पर भाई फिर भी यार एक दिन ना मैं कट्टे भर के लेके गया था एंड भाई साहब जो लावा में गिरा ना भाई, उसके बाद उसमें आदत से छूट गई यार ले जाने की, लिमिटेड ले जानी चाहिए। बेशक अपने साथ स्टिक्स ले जाओ, क्योंकि भाई देखो स्टिक दोबारा आ जाएंगी, टॉर्चेस भी दोबारा आ जाएंगी, पर यार ना जो इतनी देर तक लगा के ना मेहनत से कोल तोड़ा होता है ना भाई, खुंदक चढ़ जाती है टाइम पर,
इतना कोल मिलता है कभी कभी तो, और भाई तुम्हें मतलब तोड़ना भी होता है। टॉर्च लगा देते हैं, ठीक है अभी हम फिलहाल इधर चलते हैं। तो यहाँ जाने का ये रहा, चलो ये भाई हम आगे तक चलते हैं। अगर ये भाई रुक रही है केव, नहीं यार रुक नहीं रही, नीचे तक जा रही है। ओ भाई साहब, अब देखो भाई अभी चार है ना, और देखो ये भर गया इसमें पूरा, ठीक है शील्ड है ना, शील्ड लगा लो। एंड ये तो देखो क्या होता है ना, इसको मारते रहो बस, बस ना रिस्क मत लो। देखो मेरी हैंग हो रही है बिल्कुल, अब देखो यार मेरी बिल्कुल पूरी हैंग हो रही है, देखो मेरी बिल्कुल हैंग हो गई थी यार। पता नहीं क्यों होता है यार इसके अंदर हैंग, मतलब देखो जैसे बहुत दिनों से नहीं हो रहा था हैंग। देखो भाई ये आ गई ना पंगे लेने मेरे से, अब देखो ये ऐसे ये हो ना बात, इनको बेसिकली फॉल डैमेज कम होता है ना यार इसलिए ना, क्योंकि दीवार के साथ रहेंगी तो उससे चिपक जाएंगी। अरे भाई तू आती क्यों नहीं यार, कल कल सुबह पलमेल निकलना है, क्या कर रहे हैं, मजाक कर रहा हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। वाओ ग्रेवल गिरेगा, ओ भाई थैंक यू यार, कोल छुप गया, मेरे को कोल चाहिए भी नहीं यार, दिमाग खराब कर दिया भाई से कोल में। ओहो भाई देखो शील्ड लगे ना, शील्ड का काम मैं टेस्ट में बिना शील्ड के ले लूँगा भाई, कभी कभी ना स्पाइडर्स का हो जाता है कि मतलब उन्हें नहीं संभाला जाता, मैं चढ़ जाती हूँ ऊपर भाई, नीचे तक जा रही है कि हम यहीं जाने वाले हैं अभी। सो लेट्स गो, देखो यार एक स्पॉनर मिल गया ना भाई, मज़ा आ जाएगा। एक टॉर्च लगा देते हैं, तो ये हम खुली वाली केव में पहुंच गए भाई। मतलब मेरे को ना जो भी दिखता है मैं सबको तोड़ने बैठ जाता हूँ यार, अब जल्दी से कोल आयरन वगैरह मैं ले लेता हूँ जल्दी से। तो यार मैंने सारा तोड़ लिया भाई, यार मैं देख ही नहीं रहा कोल भाई, मैं ना यहाँ पे लाइट ही नहीं है, मैं जा ही नहीं रहा हूँ यहाँ, तो रात भी हो रही है शायद, हाँ शाम हो गई इतनी जल्दी, आई डोंट नो हाउ बट अब हो गई, तो हम क्या कर सकते हैं। कम से कम भाई दो हिट करिए मैंने उसे। देखो ये कॉबलस्टोन बहुत कम तोड़ पाते, क्योंकि कॉबलस्टोन हार्ड स्टोन है इसलिए इसको जल्दी नहीं तोड़ पाता। आ जा कब तक आएगा पीछे, आ जा वैसे तो भाई ये देखो यार मैंने आयरन तोड़ के आया हूँ, और भाई यहीं पे इसने भाई आयरन की स्वॉर्ड तान दी है, और भाई लिटरली भाई इसने कुछ नहीं दिया यार, हद है भाई, मतलब यार इतने गरीब। अरे भाई यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं कुछ नहीं है। तो यार देखो अगर हमें एक्स मतलब जैसे देखो यार उधर लावा लग रहा है भाई मुझे, ओए भाई उधर लावा है बता जल्दी, ये माइनशाफ्ट वगैरह है बता जल्दी, आई थिंक माइनशाफ्ट है यार पता नहीं चल रहा, मेरे को जाके देखना पड़ेगा, लावा भी हो सकता है तो जाने भाई क्यों को मेरा ले रहा है यार, देखने देना भाई जाने देना उधर, क्यों डर रहा है। अरे अरे इसने वो दिया यार लेग बूट, अनब्रेकिंग यार, अनब्रेकिंग से क्या करूँगा मैं, चलो जल्दी नहीं टूटेंगे बस इतना होता है अनब्रेक की इंशेंटमेंट ये। अरे ये अरे ज़ॉम्बी बहुत आ रहे हैं यार, वैसे मैं जानता हूँ रात का समय है। अरे वाह सर आप तो गए गड्ढे के अंदर, अरे सर आप तो गुस्से में आ रहे हो, तो सर गुस्सा नहीं दिखाते सर, तो सर गुस्सा छोड़ दो सर आप, यहाँ के गुस्से से मैं डरने वाला तो हूँ नहीं है ना, तो ठीक है इधर लावा है आई थिंक, या स्कैम होगा या स्कैम था
लावा तो है नहीं। ओह मैं यहाँ पे आ तो गया भाई, और मुझे लगा लावा होगा यहाँ पर। ये भी टूट गया भाई, और हमें मिला कुछ भी नहीं भाई साहब, मजाक हो गया भाई ने तो भाई। चलो भाई इधर भी चल लेते हैं भाई। नीचे नीचे तो कुछ भी नहीं, नीचे केव जा रही है वैसे ना, फिर हम जाना चाहें तो। यस इधर आयरन है, तोड़ लेते हैं जल्दी 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 करो जल्दी यार, इससे पहले कोई आ जाए। पिछली बार ज़ॉम्बी ने अटैक करा था, इस बार किसी से भी नहीं। चलो यार एक बार ना अगर एक रिवीन मिल जाए, आई एम थिंकिंग यार बेटर रहेगा। ओके हमारे ऊपर आई थिंक रिवर है, मुझे इसी बात का डर है कि पानी ना गिरे। और भाई आसपास ही आई थिंक स्पॉनर है, और भाई मैं उसी जगह पर टिक भी कर रहा हूँ ऊपर, और ऐसा डेयरिंग चीज़ कर रहा हूँ मैं फिलहाल। बट अगर रिस्क नहीं है ना तो यार समझो गेम ही नहीं है भाई। ये रिस्क की गेम है, एंडर ड्रैगन को मारना रिस्क पे, इस लैंड से दूसरे लैंड पे जाना एंड सिटी में रिस्क है, केव्स में जाना भाई रिस्क है। कितनी भी लेके जाओ, अगर बाई चांस तुम तोड़ रहे हो और गलती से लावा आ जाए और भाई तुम्हारा हैंग हो जाए भाई फोन, तो भाई साहब कोई नहीं बचा सकता फिर। लो भाई साहब पिकैक्स तोड़ दो मेरी, ये देखो भाई इतना सारा मतलब यार कोल मिला है सिर्फ, तो कोल भाई बेहिसाबा मिल जाता है ठीक है। तो आसपास ही नहीं ऊपर नीचे भाई कहीं तो ऐसी केव है ना भाई, यहाँ पे ना ज़ॉम्बीज की ऐसी की तैसी हो रही है। 48 पे है अभी हम, हमें तो भाई तब तक बिल्कुल भी कुछ नहीं मिल सकता, नीचे जाना पड़ेगा हमें भाई। देखो मैं जा रहा हूँ नीचे ठीक है भाई, देखो फिलहाल जो है टॉर्च लगा देते हैं, नीचे जाएगा ठीक है भाई। फिलहाल ना मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, क्योंकि भाई नीचे देखो ऐसा भी हो सकता है कि कुछ भी ना मिले ठीक है, और वो सबसे भाई गंदी चीज़ है। ओ भाई कुछ देखा यार, स्कैम कर देते हैं पता है मेरे साथ, मैं ना यही बात पसंद नहीं है फिर, और अगर किसी आयरन को तोड़ने गया तो पंगे पड़ जाएंगे। काम करते हैं, लेट्स गो अप भाई। वैसे ना मुझे पता भी नहीं है मैं कहाँ से आया हूँ, मतलब देखो भाई ये ठीक है, अब ये ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ यहाँ से ठीक है। राम राम तो मैंने टॉर्च लगा ताकि पता रहे कि हाँ भाई मैं इधर गया हुआ हूँ। टॉर्चेस लगे रहेंगे तो कम से कम मुझे इतना होगा कि हाँ भाई इधर साइड में गया हुआ हूँ। तो भाई बिना लड़े मैंने 3 पॉक चॉक अपने ऐसे वेस्ट कर दिए, मतलब वैसे तो यूज़ कर लिया मैंने। अरे यार 4 का खाना ठीक होता है तो यार। देखो यार ये बैड पंगे ले रही है मुझसे भाई, चमगादड़ कैसा है बोल, तेरी भी जिंदगी बड़ी मतलब बड़ी बेकार चल रही होगी है ना। भाई ये ना फीलिंग ना भाई, आवाज़ है ना बड़ी सेटिस्फाइड है यार, इतना सारा सामान एक साथ लेना। और भाई वो तो ना मतलब अलग ही होती है, जब यार तुम्हें कोई मार दे एंड मतलब मारने का नहीं, जब मर जाते हैं और तुम्हें सारा सामान सिर्फ एक पोजीशन पे होता है एक ब्लॉक पे भाई, तो वो ना भाई अलग ही होती है भाई फीलिंग भाई। तू पता है योर जस्ट लाइक ना भाई, मैं दुश्मन जान दुश्मन भाई इनके साथ, तो मेरे भाई बहुत पुरानी दुश्मन है ना भाई, दुश्मन बड़ी अच्छी निभाई है मेरे साथ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे बड़े स्केलेटन आ लग रहे हैं भाई। भाई इनका अगर स्केलेटन का फार्म बन जाएगा हमारा एक्सपी फार्म, अगर भाई एक बार हमें स्पॉनर मिल गया तो। ओ इसने आर्मर दे दिया, पहन लेते हैं
एंड प्लीज यार इन्फिनिटी आई है अनब्रेकिंग, तो अनब्रेकिंग तो चुटकियों में मिल जाती है, अनब्रेकिंग का कोई फायदा नहीं होता ज़्यादातर। यार ये क्या मजाक हुआ है, अब यहाँ क्या है, यहाँ भी टॉर्च लगी पड़ी है शायद। हाँ यहीं भी गए हैं हम, देखो ना यहाँ से नीचे का भाई, देखो अब ये चीज, ये देखो भाई ऊपर पानी है, मज़ा आ जाएगा अगर हम ऊपर चले गए तो। कहाँ करते हैं, यहीं से ऊपर चलते हैं फिलहाल। ओहो ओ ओ ओ ओ ओ यार ये तो मैंने जगह देखी ही नहीं, रुको यार एक मिनट, तरा इधर लगाओ यार टॉर्च। ओहो मामला तो बड़ा गंभीर सा लग रहा है भाई, पानी पानी होने दो पहले, पहले फिर हम कुछ करेंगे। चलो लगता है हमारे हर्ट चले गए हैं, अब भाई हम बड़ी नीचे भी आ गए। ओ यो 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 दिस इज द रूम भाई, ये मैं बात कर रहा था आपको जैसे उसको ना, रुक जाओ यार मैं आपको ना दिखाता हूँ यार, लाइव ट्रायल करके दिखाता हूँ यार, एक मिनट रुको यार बस सुनना भाई, बस मुझे ना एक मिनट रुको यार, एक मिनट। वो पानी बंद भाई, इतनी खुशी मिल रही है यार। एंड भाई अब सबसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ यार, ये चीज़ चेक करो यार आप भाई, यही वो रूम है जिसकी मैं बात कर रहा था। एंड यार भाई भाई हमें ना वाटर बकेट चाहिए, देखो यार बात भाई बड़ी ना गंभीर है भाई, दिस इज़ माय लक। चलो फिलहाल अब यहीं से ना टॉर्च स्पैम कर देते हैं। ओके यार यहाँ नहीं करनी चाहिए भाई, देखो नीचे जाने का, देखो भाई मैं पूरे अपने हर्ट पूरे कर लेता हूँ। एंड भाई अब हम यहाँ से जंप लगाने वाले हैं, तो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओ भाई एंड भाई यहाँ मतलब भाई स्पाइडर आना चाहती है मेरे पास, एंड मैं चाहता हूँ कि भाई मैं इसको बड़ा गंदा मारूँ। एंड भाई मैं लिटरली मेरी ज़्यादा हर्ट गए भी नहीं है। ओ भाई ओके नो वरीज, बड़ी ना अलग जगह पर आए हैं हम अभी। ओके 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 ओके। तो यार देखो सिंपली क्या होता है ना, हमें यहाँ से शार्ड चाहिए, और शार्ड अभी हमें तक एक भी नहीं मिले हैं, ब्लॉक्स ही मिले हैं। और भाई यार बड़े होने चाहिए, बड़े 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 बड़े, आई थिंक ये वाले हैं बड़े वाले। एक मिनट रुको यार बस, एक काम करते हैं, वैसे ना गंदीली चीज़ है जो मैं लगाता हूँ वो चल रहा हूँ, बट यार मैं क्या करूँ, मैं अपनी ना आदतों से ना बड़ा मजबूत। ओ यस तो ये शार्ड ना बड़े होते हैं, एंड अब भी भाई ज़्यादातर जो मैं देख रहा हूँ उसमें बस उग ही रहे हैं, बड़ा तो भाई इनमें से अभी कोई लग भी नहीं रहा है। तो यस मतलब अभी हमें चार मिल गए, एंड आई थिंक बेटर। तो ये है भाई सेल साइड ब्लॉक, और ये है आई थिंक स्मूथ साइड, आई थिंक सो। तो इसकी यार क्राफ्टिंग हो सकती है कोई यार, नहीं आई डोंट थिंक इसकी कोई क्राफ्टिंग भी हो सकती है, स्मूथ बेसाल्ट। तो ये देखो यार अब यार इसका शायद नहीं मिल पाएगा हमें, नहीं ये बड़ा नहीं है। तो यार एक बार ना मतलब इसको तोड़ के देखते हैं क्या हमें ये इसके साथ ही आ जाएगा। अरे हाँ एक काम करते हैं, मैं थोड़े ब्लॉक को लेके चलते हैं और घर के पास लगाएंगे यार। तो यस इसका नाम है एम्फसाइज शार्ड के। तो भाई अभी हम नीचे आ जाते हैं आराम से, एंड वहाँ पे चलते हैं आयरन लेने।
यस फाइनली देख लेते हैं इकट्ठा हुआ नहीं हुआ, नहीं इकट्ठा तो नहीं हो पाया, बट यस इट इज़ इनफ फॉर मी। ठीक है भाई, एक ही मतलब अभी चलते हैं ऊपर। ऊपर भाई हम जा पाएंगे यहाँ से, मतलब एक रुक जाओ यार एक मिनट, ये हमारे ऊपर गिरेगा, ये हमारे ऊपर गिर जाएगा। यहाँ से जाना है मतलब हमें कुछ इधर से, सो यस यहीं से जाना है। मैं और ब्लॉक्स ले लेता हूँ, बड़ा अच्छा लगा है यहाँ के। I really like it यार। तो ये हम फाइनली ऊपर आ गए। चलो फिर चलते हैं अब हम ऊपर। यस हम ऊपर पहुंच गए। और भाई नीचे जाना भाई मेरे लिए तो बड़ा ना अच्छा गया, मैं आया भी नहीं से था। और क्रीपर भी मेरे पीछे ही आ रहा है, आ जा भाई। पर मैं सॉरी यार मैंने निकल ही आ जा रहा था। अरे इस बैट को मार सकते थे भाई, मैंने तो बड़ा ट्राई करा भाई, मैं तो कभी नहीं मार पाया। चल डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि भाई हम यहाँ से निकल रहे हैं भाई। केव कुछ भी नहीं थी, हम दूसरी केव ढूंढते हैं। चलो छन गई भाई ये केव, लेट्स गो। ये भी केव है पर ये भी उससे कनेक्टेड ही हो गया हो क्या। चलो 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 भाई, हम जल्दी से ढूंढ लेते हैं दूसरी केव। लेट्स तेरे काम करते हैं उस वाली गेम में चलते हैं जो सामने वाली है, क्योंकि भाई देखो वो मुझे ना बड़ी, तुम मानो ना मानो भाई, थोड़ी सी ना अजीब सी लग रही है। तो देखो भाई ये है भी स्कूल की भाई, जो दिखता है होता नहीं है, एंड हो सकता है कि मुझे वहाँ मेरी चीज़ ही ना मिले। ओके नीचे तो आ गया बिना किसी सपोर्ट के। भाई क्या कर रहे हो भाई, हार्ट अटैक हो गए क्या? ओ भाई साहब, तो यहाँ से सीढ़ियाँ बना देते हैं जस्ट इन केस भाई। ओबे बोलो भाई, मैं तो यार दबी दबी गिर जाऊँ, पर चलो कोई बात नहीं, हम ऊपर जा पाएंगे, बस हम लावा में ना गिरे यार। मुझे ये भी नहीं पता है कि हम हैं कहाँ, तो भाई ये उम्मीद तो छोड़ ही देना कि मुझे वापस जाने का रास्ता पता होगा। ठीक है अभी हमें डायोप्टर नहीं मिला, मतलब वो जो पॉइंटेड ड्रिपस्टोन, सॉरी यार डायोप्टर बोल रहा हूँ, हमें पॉइंटेड ड्रिपस्टोन अभी तक नहीं मिला है। वो भी ढूंढेंगे, उसका भी कहते हैं कुछ करना, उसका भी काम होता है, उसको भी करेंगे। अभी जा रहे हैं यार हम गहरी केव्स में, हो सकता है आगे जाके हमें मिल जाए कुछ बढ़िया सामान सा। जल्दी जल्दी यहाँ से सामान ले लेते हैं। ये तो बेसिकली हमने यहाँ से सामान ले लिया है, मतलब ये रह गया यार। तो यार हमने यहाँ से कॉपर भी ले लिया है, अब हम बस यहीं पे आए हैं। यार देखो यार मेरे को जब कोल दिखता है ना, मेरा मन करता है मैं इसे ले लूँ यार, क्योंकि ना मेरे को फिर ना बाद में ये चीज़ सिखाने लगती है यार कि आगे जाके कभी अगर मेरे को कोल की दिक्कत पड़ गई ना, तो मेरे को बहुत दिक्कत पड़ेगी, क्योंकि अभी तो वो टाइम है जब मुझे बहुत सारा कुछ पकाना है, एंड बाद में जाकर तो यार कोल की बिल्कुल वैल्यू गिरने वाली है। जैसे एग्जाम्पल भी नहीं है मेरे मुँह में भी। ओके आई थिंक बड़ी केव है यार, क्या एंड हुआ यार इस केव का। चलो एंडिंग में भाई इसने आयरन दिया कम से कम, आई लाइक इट, नथिंग इज बेटर देन समथिंग यार। एक केव जिसके अंदर हम घुसे जा रहे हैं, मिल कुछ है नहीं रहा, बाद में जाके लावा में गिर जाते, इज नॉट अ बेटर थिंग। पर हम
बच भी गए हैं, और ये ना यार टॉर्चेस तोड़ लो यार, थोड़ी ना कम हो रही हैं टॉर्चेस, और फिर बाद में दिक्कत पड़ने वाली है। हो गया आई थिंक यहाँ से, तो बेसिकली ये वाला कौन तोड़ना है, हमें तोड़ लेते हैं फिर जल्दी जल्दी। तोड़ लिया है हमने, माइनिंग सेशन अच्छा चल रहा है, तो हम यहाँ पर आ गए हैं। हमारे पे दो केव्स हैं, या तो हम और गहरे में जाएं, 47 से आई थिंक बहुत नीचे चले जाएंगे 20 के आसपास तक, एंड हो भी सकता है कि हमें नीचे जाके गोल्ड मिले। ठीक है, तो एक बार ना चल के देखते हैं क्या है नीचे, क्योंकि हमारे वाटर बकेट भी है और जिगरा भी, पर ना ये आयरन ख़त्म नहीं हो रहा है, बोलते ही ख़त्म हो गया। तो जल्दी से हम यार, ये यार फिर आयरन मिल रहा है यार, बताओ हद तक कोई है हमारे पे, ब्लॉक्स हैं। हम एंडेसाइट यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका ज़्यादातर नहीं यार आगे जाके। ठीक है ओके चलते हैं। नहीं यार ये आयरन नहीं है। यस हमें गोल्ड मिल गया, रुक जाओ यार मैं तुम्हें दिखाता हूँ बिल्कुल लाइव। तो यार ये देखो, ओ यार इसका पता है ऐसा लग रहा था यार जैसे गोल्ड है, पर मैं भी भूल गया था 48 पे कहाँ गोल्ड मिलेगा भाई। गोल्ड की जो होती है यार, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है 24 मतलब भाई 25 से नीचे बस इतना समझो। भाई देखो यहाँ से गिर देते हैं हम, एक काम करो यहाँ से गिर दो पानी, ठीक है, क्योंकि भाई देखो मुझे इतना पता है कि हम तो ये कॉपर तोड़ते निकल लेंगे। और यहाँ से जरा उतर जाओ भाई, कभी इसके समेत ही हम नीचे गिर जाएं। भाई यार बहुत कॉपर मिल रहा है, आई थिंक भाई कॉपर के कट्टे भरेंगे हमारे को ज़्यादातर, तो इतना तो शायद आई डोंट थिंक ये कोल मिला है हमें, बाकी हमने कोल बहुत तोड़ा भी नहीं है, छोड़ा भी है। भाई यार ये ना बात कुछ आ गया है, भाई मेरा आयरन डूब गया, चलो कोई बात नहीं, मेरी नज़रें बहुत चीर की निगाह है। ठीक है, तो ये हुई तेजी, तो मैंने सारा आयरन तोड़ रहा हूँ भाई, भाई यहाँ तक मेरे को लग रहा है चार ही हैं। हाँ यार तुम बैठो, एक मिनट ये क्या था, ओहो यहाँ लावा था एक्चुअली। ओके हम यहाँ पर आ गए, और हो सकता है नहीं होगा, कोई बात नहीं। यार इतना कोल क्यों मिलता है यार, हद नहीं हो जाती है यार, इतना अगर डायमंड मिला करे तो यार आयरन मिला करे, गोल्ड मिला करे इतना यार। कोई बात नहीं यार, हो जाएगा सब कुछ होगा। ये भाई साहब कोल ना भाई, मेरी जिंदगी बन चुका है इस तरह से भाई, फैक्ट्री मेरे पे सब कुछ खत्म हो गया है, पर अभी भी एक उम्मीद, क्या दो उम्मीदें बाकी। ये देखो भाई मैं 19 बना सकता हूँ, और एक मैंने पता नहीं कहाँ सपनों में, हाँ ये भी मैंने बना लिया है। तो भाई देखो आगे जाके मेरे को पढ़ने वाली जरूरत, मेरे बिल्कुल जहाँ भी पानी मिलेगा ना भाई ले लेंगे।
मुझे को पता है भाई आगे जाके कितना होती है पानी की जरूरत भाई, और कहीं पानी मिल गया। अरे भाई मिल भी गया यार, मैं पता नहीं यार इतना कैसे सोच लेता हूँ भाई, पानी बंद भी नहीं करना पड़ा, यूज़ हो गया मतलब यार एक तरह से कहने का मतलब। तो हम ऑलमोस्ट 30 हैं, तो हो सकता है कि कॉपर कोल जो भी तोड़े हमें उसके पीछे या आयरन या फिर गोल्ड मिले, बहुत चांसेस होते हैं मेरे को आप बहुत मिले हैं, बिल्कुल गोल्ड के पीछे होता है। और कभी कभी तो भाई मेरे को मिला है गोल्ड और आयरन का दोनों का मिक्सचर मिला भाई, बड़ा मज़ा आता है उसे देखने में। अगर आपको भी मिला ना भाई तो कमेंट से बताना। बेसिकली हमने यहाँ से ले लिया है और भाई हमें यहाँ पे फिर डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी यार। चलो भाई अब मैं चलता हूँ यहाँ से वापस। ले लो ले जल्दी आयरन ले लो भाई। अब देखो अब मेरे हाथ में वाटर बकेट है, पर अब हम इसकी जगह भी कर देंगे एंड डबल ले लेंगे, गलती से गलत पॉइंट हो गया। तो ये हमने ले लिया है, अभी हम मतलब जैसे आगे चलते हैं और फिर हमें डिसअपॉइंटमेंट झेलनी पड़ी विदाउट एनीथिंग, कुछ भी नहीं है। उठता है लिया पर एंडरमैन जरूर है आसपास, और इधर तो भाई कुछ है नहीं भाई, इधर कौन है, इधर भी कुछ नहीं है। तो भाई ये एक तरह से कि बिल्कुल ख़राब है, पॉक चुप खा लेते हैं। और ये हम ऊपर आते जा रहे हैं भाई, रात हो गई जो एक अच्छा साइन बिल्कुल भी नहीं है। जब रात के मतलब रात में कैसे, तो भाई देखो 1.17 अपडेट का एक चीज़ हमें मिल चुकी है, हमें दो तीन चीज़ें देखने को मिल चुकी हैं, जैसे हमें रॉ आयरन मिला है, रॉ कॉपर मिला है, ओके एंड हमें बिल्कुल सही चीज़ मिल गई है एम्थेसाइज्ड शार्ड, जिससे भाई बनेगा हमारा स्पाइक ग्लास। भाई सबसे औसम चीज़ लगती है स्पाई ग्लास भाई, बोलने में बड़ा ना ओपी लगता है। एंड अब भी हम चलते हैं और ऊपर तक, एंड मुझे पता है ऊपर ज़ॉम्बी है, और ये भाई पागल, ओ भाई साहब इसने मेरे कोई, अब भाई साहब क्या हिट दे रहा है भाई। देखो यार सुबह भी होने वाली है, मतलब इतनी देर लगा दी है मैंने। अब हम चलते हैं थोड़ा इधर साइड, ओहो स्केलेटन, नो वे भाई। देखो मैं जाना चाहता हूँ माउंटेन्स पर, ठीक है ना, अच्छा लगता है, तो हम चलते हैं। ओहो ओहो नहीं कैसे आओगे तुम आज, तो बेटा अभी तो मरने की बारी है, जल्दी से ऊपर पहुंच जाता हूँ। यार अब हम आ गए हैं बिल्कुल ऊपर तक भाई, ऊपर आते ही हमें ज़ॉम्बी के दर्शन हुए फुल आर्मर वाले के। और इसने हमें लेगिंग्स और हेलमेट दे दिया, ठीक है नज़र में जाने के काम आएगा ये। और पहले क्या कर रहा है, अरे यार इतना बुरा हूँ मैं, पम्पकिंस मतलब आसपास विलेज है एंड दिस इज अ गोट। तो भाई देखो इसको बोलते हैं कि अगर इसके सामने हम रुकेंगे तो ये हमें हिट करेगी, देखते हैं। तो इसने भाई नहीं करा,
एंड अभी यहाँ खड़ी हुई है, हम यहाँ देख लेते हैं। नहीं हिट कर रही है, नहीं हिट कर रही है भाई, शी इज नॉट हिटिंग मी एट ऑल। हिट कर यार, अरे मैं चाहता हूँ हिट करवाना, अरे यार मैं, अरे मैं मरना चाहता हूँ, अरे यार, अरे करना यार, अरे भाई। तो ये भी बड़ा खुला सा एरिया है, यहाँ भी अपना घर बना सकते हैं, बट यार मुझे आगे जाके ना कुछ ज़्यादा फीलिंग अच्छी आ नहीं रही, इसलिए मैं यहाँ से दफा हो रहे हैं। तो यार ये बोली जोक बना रखा है यार, मेरे को बिल्कुल हिट नहीं कर रही है, मेरे साथ जोक हो रहा है, तो हम यहाँ से पहले निकल लेते हैं, इससे हमारी और बेइज्जती ना हो जाए। नो यार, और बेइज्जती करवाना ना अच्छा से नहीं लगता, अंदर से यार बैड फीलिंग आती है। शीप तो यहाँ क्या कर रही है यार, इस एरिया में ना तो बिल्कुल सूट नहीं करती भाई। यहाँ देखो यार कितना खाली एरिया मिला है यार हमें, यार आसपास एक लिविंग मिल जाती है ना, बड़ा मज़ा आ जाता है यार। देखो यार अभी यहाँ पे गॉड स्पॉन हुई है, बड़ा खाली एरिया मिला है हमें, वहाँ पे पता नहीं यार क्या है, जाके देख लेते हैं ना। नहीं यार वहाँ पे भी कुछ नहीं है, तो भाई चलते हैं अब हम अपने अड्डे पे, हमारा अड्डा, हमें पानी में गिरना है। भाई अगर हम ना गिर नहीं गिरते ना, मतलब ब्लॉक पे गिर जाते ना अगर गलती से, वही मज़ा आ जाता सही में, मज़ा इन द सेंस भाई हो जाता फिर कल्याण सर। मैं भाई नीचे, अबे नीचे जाता जा रहा हूँ भाई मैं तो। ओ यार एक मिनट, ब्लॉक का काम वाटर बकेट कर देती है, एंड मेरे को मतलब जैसे लावा बकेट से जैसे नेदर बनाते ना भाई, वो वाला भी आता है। अगर आप चाहिए कि हाँ यार वो कैसे बनाते हैं मुझे दिखाओ यार टिप्स ट्रिक्स, तो भाई देखो अगर वो चाहिए ना बनाना है, कैसे बनाना है, मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं, तो भाई मेरे को देखो कमेंट कर दो, मैं अगली वीडियो फिर उस पर ही बना दूँगा। एंड हो सकता है मैं सर्वाइवल मोड में ही, मतलब हो सकता है कि मैं सर्वाइवल मोड में ही इसको पूरा करके दिखा दूँगा, बस आपको कमेंट की ज़रूरत है। एंड आई थिंक मैं उल्टी जगह पर आ चुका हूँ भाई, ये रिवर है, तो भाई मेरा स्पॉट कहाँ बग गया। पम्पकिंस आए थे ना, मेरे को उधर जाना है। नहीं यार फिर मैं, फिर मेरा घर, अरे मैं भाई ये मत बोलना कि मैं अब मतलब घूम हो चुका हूँ या फिर उधर साइड। अरे ये रहा ना मेरा, ये रहा यार यहीं पे, तो यहीं पे तो था यार, कहाँ गया। अच्छा यार दूर बना रखा है मैंने, रुक जाओ यार एक मिनट में ना, एक मिनट में कर देता हूँ काम इसका, ये लो ठीक है। अब ज़्यादातर यहीं पर रात में ना पता रहेगा हमें, ठीक है। ये देखो यार अब हम आए, तो यार देखो अब हम बना लेते हैं ज़रा सामान वामान ना, मैं बाद में सेट कर लूँगा ऑफलाइन में। सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कि ये बनेगा कैसे, मैं इसके अंदर अपना पहले कट्टा ये डाल दूँ, भाई इसको पकने देते हैं। एंड अब हम ले लेते हैं दो कॉपर और एक शार्ड, ठीक है। अब ये देखो यार, देखो ऐसे यहाँ रखेंगे ऐसे, एंड दिस हमारा स्कोप बन गया है। और यार ये देखो यार, तो मतलब कितना, देखो यार उस सुअर को देखते हैं भाई, सुअर क्या कर रहा है। हेलो भाई, हम इसे एंडरमैन से नहीं देखेंगे क्योंकि भाई एंडरमैन पता नहीं क्या कर देगा हमारे साथ। भाई देखो यार वहाँ तक मतलब इतनी यार इतनी दूर है भाई वो पेड़, मुझे क्लियर नहीं दिख रहा है, इसकी वजह से भाई मुझे दिख रहा है ऐसा लग रहा है वहाँ बहुत खुला मैदान है, पर आगे जाके समुद्र है, मैं दिखा थोड़ा सा। तो भाई ये देखो यार, भाई वो देखो यार बादल, सूरज देखते हैं यार, मुझे एक बार ना ट्राई करना है रात में तारे कैसे दिखते हैं, अगर वो भी देखना है ना तो मैं वो अगली वीडियो में करूँगा, तब तक के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यार मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो बनाने,
आज का हमने बहुत कुछ कर लिया है, आयरन लिया है, और भाई सबसे बड़ी चीज़ हमने गोट और स्पाइक ग्लासेस को चेक कर लिया है। तो मैं चलता हूँ अपनी अगली वीडियो बनाने, तब तक के लिए गुड बाय।